वेलकम टू माय चैनल फूडी प्लेटर। आज हम मुंबई स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पैटीज बनाएंगे, जिसके लिए हम शुरुआत करेंगे रगड़ा से। यहाँ पे मैंने करीबन 2 कप सफ़ेद वटाना यानी सफ़ेद मटर को रात भर भिगो के रख दिया था। अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 1 से 2 इंच के पानी में। यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक और ढक्कन लगाकर इसको प्रेशर कुक करेंगे। सीटी दिलवाएंगे 7 से 8 विसल मीडियम आँच पे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे करीबन 7 से 8 आलू ऑलरेडी बॉईल करके रख लिया है। ठंडा होने के बाद मैं इनको छील लूँगी। अब हम अपना रगड़ा चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो मटर है काफ़ी सॉफ्ट और मशी हो चुका है। अगर ये ज़्यादा ओवर कुक आपको दिखे तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमको इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। हम इसको चेक कर लेंगे कुछ इस तरह से, एकदम सॉफ्ट पक चुका है ये। अब हम पैटीज के लिए जो आलू है उनको मैश कर लेंगे एकदम अच्छी तरह से। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे करीबन 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हाथ में तेल लगा के हमको इनकी पैटीज बनानी है। इसको अच्छी तरह से शेप देकर इनको चपटा कर लेना है, जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं बस उसी तरीके से, उसी वही शेप देना है हमें। और इसी तरह से करके हमें सारे अपने पैटीज रेडी कर लेने हैं। रेडी करने के बाद मैंने पैटीज को 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम अपना पैन गरम करेंगे और उसमें अपने सारे पैटीज को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने करीबन 4 से 5 पैटीज को एक साथ डाला हुआ है और हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है और उसमें शैलो फ्राई कर रही हूँ। और करीबन 1 से 2 मिनट के बाद हमें इन्हें पलटना है। याद रहे, हमें पैटीज के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, हमें तभी पलटना है जब हमें लगे कि इसका एक साइड इसने पैन को छोड़ दिया है। अब देखेंगे ये कितना अच्छा कलर पकड़ लिया है पैटीज ने। इसी तरह से हमें 2-2 मिनट के बाद पलट पलट के देखना है। हमें इसको हल्का सॉफ्ट क्रिस्प करना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन और सॉफ्ट क्रिस्प हो जाए हर तरह से, फिर हमें इसे निकाल देना है। अब हम इमली की चटनी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप इमली को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। अब छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे इस तरीके से। स्पैटुला लेंगे और स्पैटुला से हम धीरे धीरे जितना भी पल्प है इमली का उसको दबा दबा कर इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि जितना भी गूदा हो उसको निकलने में आसानी हो छन्ने से। 2 से 3 बार पानी डालना है और आप देखेंगे कि जितना भी पल्प है वो अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक, 2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, आप चाहिए तो गुड़ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिला लेना है और आप देखेंगे कि रनिंग कंसिस्टेंसी वाला हमारा इमली का जो चटनी है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने रेडी कर लिया है। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने टिक्की डाल ली है और टिक्की के ऊपर हम रगड़ा डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे ऊपर से, भुना हुआ जीरा पाउडर, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, और बारीक कटा हुआ धनिया और हमारा रगड़ा पैटीज रेडी है। मैंने इसकी प्लेटिंग पत्तल में भी डाल के की है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।